गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बड़ोदरा में तिब्बती मार्केट लगा है, जो कि राजलक्ष्मी पैलेस के सामने पोलो ग्राउंड में लगता है। तो तिब्बती मार्केट लग चुका था, तो हमने दिवाली पर घर जाने वाले हैं पिपरिया, तो हमने ये कुछ जैकेट घर वालों के लिए लिए हैं। वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखते चलिए हमने क्या क्या लिया है, देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी अपने बेटे के से। तो मेरे बेटे के लिए मैंने ये स्वेटर लिया है, ये देखिए रेड कलर का, ये इस तरह से है। ये मैंने स्वेटर लिया है मेरे बेटे के लिए। साथ में मैंने इसकी कैप वगैरह भी ली है, लेकिन मैंने उसे भी वॉश करने के लिए डाली हुई है। उसके बाद मैंने लिया है मेरे बेटे के लिए जैकेट, प्यारा सा, ये देखिए। वहाँ तिब्बती मार्केट में फिक्स रेट होता है, वहाँ बार्गेनिंग नहीं होती है। ये कुछ 950 का है, ये देखिए टैग लगा हुआ है। और ये इसका पैर है पूरा, ये पैर में है, ये नीचे का बॉटम है और ये ऊपर का है। ये देखिए मेरे बेटे को, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा उसे कोल्ड हो रखा है, इस वजह से वो कुछ करने नहीं देता है। ये मेरे जेठानी के बेटे के लिए लिया है जैकेट हमने, ये इस तरह से पूरा ऊपर नहीं करूँगी, आप समझ जाइए। ये है इस टाइप से, क्योंकि बच्चे के साथ फिर वापस से पैकिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं इसे पूरा ओपन नहीं करूँगी। ये मेरे जेठानी के बेटे के लिए लिया है, उन्होंने भी कहा था कि हमारे लिए भी लेके आना। और ये स्वेटर लिया है मैंने, ये देखिए, ये स्वेटर मेरी मदर इन लॉ के लिए लिया है, मेरी सासू माँ के लिए, ये देखिए, ये भी कुछ 1010 का है। और ये जैकेट भी 1500 समथिंग है। अब आई मेरी बारी, मेरे ससुर की, उनके लिए भी लिया है हमने जैकेट, ये देखिए। ये मैं ओपन नहीं करती, लेकिन कल बच्चे के साथ हम लोग गए थे तो एमी बहुत परेशान कर रहा था मार्केट में, तो कुछ अच्छे से हम लोग चेक नहीं कर पाए थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि ये सब चेक करके फिर से पैक कर देना, ताकि अगर एक्सचेंज करना हो तो हम कर सकें। ये मेरे ससुर का जैकेट हो गया, ये हैंडबैग मैंने ली है वहाँ से तिब्बती मार्केट से, ये देखिए। बच्चे के साथ में थोड़ा स्पेसेस हैंडबैग चाहिए होता है, इसलिए मैंने। और तिब्बती मार्केट का जो क्वालिटी होता है ना कपड़े का या किसी भी चीज़ का, बहुत अच्छा होता है क्वालिटी में, वहाँ कोई नहीं। और वहाँ तो फिक्स रेट होता है, तो वहाँ भाव उताव तो होते नहीं है। नो बेबी, नो एमी, नो। देखो इसे, ये खाने में लग गया है, कुछ भी चीज़ दे दो इसे मुंह में डालना है। दूसरा बेटा किट्टू, जो मेरे भाई का बेटा है, एमी के भाई के लिए लिया है, एमी के भाई का। और एमी का सेम कलर है, उसके लिए भी हमने ख़रीदा है ये जैकेट। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको मेरी ये शॉपिंग, तिब्बती मार्केट की शॉपिंग। प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर कर लीजिए। ये जैकेट जो लिया है मैंने, ये वाला किट्टू के लिए, ये यहाँ से इसकी स्लीव्स निकल भी जाती हैं, ये हाफ स्लीव्स में भी हो जाता है। ये देखिए एमी को, उसको तो सिर्फ खाना है, उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उसे हर चीज़ मुंह में डालनी है। नो बेटा, नो। ये ऐसे ही करता है पूरा दिन, कोई कहेगा इसको हेल्थ ठीक नहीं है, इतनी शरारतें करता है। इसके साथ मुझे वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल होती है, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ।
चलिए अब मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। इसके बाद मेरा शायद से दिवाली शॉपिंग वाला ब्लॉग आएगा, फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, बाय करो एमी, नो बेटा, ओके बाय।